हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और विड्रॉल ब्लीडिंग के बीच में क्या अंतर है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वर्सेस विड्रॉल ब्लीडिंग। देखिए, बहुत सी लेडीजें कंफ्यूज हो जाती हैं कि हमको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या फिर विड्रॉल ब्लीडिंग हो रही है, दोनों में डिफरेंस वो नहीं समझ पाती हैं। तो उन लेडीजों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है। देखिए, जब आपने इंटरकोर्स किया उसके बाद अगर स्पर्म और ओबम दोनों आपस में मिल गए और फर्टिलाइजेशन के बाद वो ट्यूब में से आपके बच्चेदानी में आ गया, यानी कि बच्चेदानी में वो इम्प्लांट हो गया, यानी कि वहाँ पे वो अपनी जगह बना रहा है, दीवार से वो चिपक रहा है, जो यूट्रस के अंदर की दीवार होती है उससे वो चिपक रहा है, वहाँ पे कुछ लेडीजों में ये ब्लीडिंग को कॉज करा सकता है। हल्की फुल्की इसमें ब्लीडिंग होती है, आपको कोई पैड की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हल्की स्पॉटिंग में इसमें ब्लीडिंग होगी, हल्की पिंक कलर की इसमें ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है, जो स्पॉटिंग होती है वो देखने को मिल सकती है। इसमें आपको कोई पैड की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें बहुत ही कम यानी कि स्पॉटिंग में आपको ब्लीडिंग होगी। 1 से 2 दिन ये ब्लीडिंग आपकी हो सकती है, वो भी आपको स्पॉटिंग में दिखेगी। इसके अलावा हम बात करें विड्रॉल ब्लीडिंग की, तो विड्रॉल ब्लीडिंग आपकी तब होती है जब आपने कोई अनवांटेड 72 लिया है, कोई हार्मोनल टैबलेट आपने ली है, कोई हाई डोज हार्मोन का आपने लिया है, फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट अगर आपका चल रहा है तो उस पर भी हार्मोनल टैबलेट दी जाती हैं जिसमें हाई हार्मोन होता है, जो कि विड्रॉल ब्लीडिंग को कॉज करा सकता है। तो जिस दिन आपने अनवांटेड 72 लिया, कोई भी हार्मोनल टैबलेट ली, उस दिन से लेके 10वें दिन विड्रॉल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। विड्रॉल ब्लीडिंग आपको जो है 2 से 3 दिन तक हो सकती है, मैक्सिमम 5 दिन तक भी ये होती है। और विड्रॉल ब्लीडिंग में आपका जो ब्लीडिंग है वो जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा, लेकिन पीरियड का जो ब्लीडिंग है उससे कम होगा विड्रॉल ब्लीडिंग। और विड्रॉल ब्लीडिंग का कलर आपको ब्राउन देखने को मिल सकता है और 2 से 3 दिन तक ये ब्लीडिंग आपकी रहती है और इसमें आपको पैड लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। और विड्रॉल ब्लीडिंग क्यों होती है ये तो हमने जान लिया, हार्मोनल टैबलेट आपने ली उसके कारण होता है। और विड्रॉल ब्लीडिंग के बाद पीरियड कब आता है, क्या होती है विड्रॉल ब्लीडिंग, और भी डिटेल में जानना है तो वो वीडियो हमारे चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं पूरी जानकारी के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि मैं बताना भूल गई, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में आपको हल्की फुल्की क्रैम्पिंग हो सकती है। जितनी पीरियड में आपको क्रैम्पिंग होती थी उतनी नहीं होगी, आपको हल्की फुल्की आपको क्रैम्पिंग हो सकती है। इसके अलावा जो विड्रॉल ब्लीडिंग है उसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है, कोई क्रैम्पिंग आपको नहीं मिलेगी। और इसका उल्टा कई लेडीजों में काफ़ी ज़्यादा यानी कि पीरियड से भी ज़्यादा क्रैम्पिंग यानी कि पेन आपको देखने को मिल सकता है विड्रॉल ब्लीडिंग में। देखो, विड्रॉल ब्लीडिंग क्या है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये जानने के लिए वो लेडीजें उत्सुक रहती हैं, वो लेडीजें कन्फ्यूजन में रहती हैं जिनने अनवांटेड 72 लिया है और उसके बाद उनको अपनी पीरियड डेट का इंतज़ार होता है और उनको अगर विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है तो वो समझ नहीं पाते कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर विड्रॉल ब्लीडिंग है। कई बार क्या होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है और लेडीज सोचती है कि विड्रॉल ब्लीडिंग है और टाइम काफ़ी चला जाता है और बाद में चेक करती हैं कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी, विड्रॉल ब्लीडिंग तो थी नहीं। तो आपको फ्लो रेट चेक करना है कितना हुआ है और ब्लीडिंग किस कलर की हुई है, ये चीज़ आपको चेक करना है जिससे कि आप इजीली समझ पाएंगे कि विड्रॉल ब्लीडिंग थी या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी। इसके बाद आपको अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है तो 1 हफ्ते बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और विड्रॉल ब्लीडिंग अगर आपको हुई है तो विड्रॉल ब्लीडिंग में थोड़ा लेट आपको पीरियड होगा, जिस दिन आपको विड्रॉल ब्लीडिंग हुई है, जिस तारीख को आपको विड्रॉल ब्लीडिंग हुई है, नेक्स्ट मंथ पीरियड भी आपको उसी के आसपास आपका पीरियड आएगा, उसी डेट के आसपास आपको पीरियड आएगा, भले ही आपकी डेट कोई भी हो, आपको किसी भी डेट पे पीरियड आती हो हर मंथ। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी हिट करके जाएं ताकि जो भी हम आगे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आपसे वीडियो मिस ना हो। और भी कोई सवाल आपके मन में है तो नीचे हमें कॉमेंट में लिखें या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर भी हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।